गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने अब एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है। दरअसल सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा 6 दिसंबर को कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुशवाहा ने कोई फैसला लेने से पहले पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें इस मुलाकात के लिए अब तक समय आवंटित नहीं किया गया है। इस बीच पीएम मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर जाने वाले हैं और वे 2 दिसंबर को वापस लौटेंगे। ऐसे में कुशवाहा ने यह फैसला कर लिया है कि 4 और 5 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में होने वाली पार्टी के चिंतन शिविर में इस बात का मंथन होगा। इसके पहले 6 दिसंबर को मोतिहारी में होने वाले खुले अधिवेशन में भी एनडीए से अलग होने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बीजेपी को 30 नवंबर तक के अल्टीमेटम और पीएम मोदी से मिलने का समय नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी को भरोसा है कि आरएलएसपी चीफ एनडीए के साथ ही रहेंगे। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा है कि 6 दिसंबर में अभी बहुत समय है और उससे पहले सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे और पूरा भरोसा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही बने रहेंगे। लेकिन इस बीच जो दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी मिलने का टाइम नहीं दे सके हैं उपेंद्र कुशवाहा को। अर्जेंटीना दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। इस बीच अभी तक आरएलएसपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी शायद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा से पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात नहीं करते हैं तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेंगे। इससे पहले वो अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन अमित शाह ने भी चुनाव में व्यस्त रहने की वजह से उनको समय नहीं दे पाया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मिलने के लिए गए थे लेकिन उनके पास समय नहीं था, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है। इधर चिराग पासवान के उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार दिए जा रहे बयान के बाद से सियासत गर्म है। अब उपेंद्र कुशवाहा 6 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के चिंतन शिविर में इस बारे में मंथन होगा और कोई फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।